नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानन्द विग्रहं पूर्णब्रह्म परानन्दं ईशं आनन्दि वल्लभं गोविन्ददेवं वतिनां वरिष्ठं लब्धप्रतिष्ठं हरिभक्तिनिष्ठं ज्ञाने गगण्यं कृतभूरिपुण्यं विद्वद्वरेण्यं सततं स्मरामि। कल हमने देखा, थोड़ा जल्दी मैंने समाप्त कर दिया था कल, इसलिए क्योंकि आज हमको एक साथ दो श्लोक लेने हैं। यह है श्लोक 14वां और 15वां। क्या बतलाया है देखिए। अन्नान भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। तो यहाँ सब बतलाया है। पहले ही श्लोक में कल जहाँ हम रुके थे वहाँ ये बतलाया गया था कि भुंजते ते त्वगम पापा ये पचन्ते आत्मकारणा, यानी जो केवल स्वयं के भोग के लिए ही जो प्रयत्नशील रहते हैं वे कुछ नहीं तो अघ यानी पाप का ही ग्रहण करते हैं, पाप का ही सेवन पाषण करते हैं। अब ये ऐसा क्यों कहा? क्योंकि देखिए ये पहले ही बताया गया है कि ये गीता जो है सारे उपनिषदों का सार है। ईशावासी उपनिषद कहती है तेन त्यक्तेन भुंजी था भोग लेने के लिए कोई मना नहीं करता, पर भोग ऐसा लीजिए तेन त्यक्तेन, पहले त्याग कीजिए और उसके बाद भोग कीजिए। तो ये त्याग जो करना है तैर दत्तान अपराय एभ्यो, इनको देने से, तो इनको यानी कि इनको तो इस सृष्टि को, तो इस सृष्टि कैसे निर्माण हुई ये बताने के लिए ये दो श्लोक है। क्या बतलाया है देखिए, अभी जो आपको दिख रहा है जो एक चाक दिख रहा है ना, तो वो कहाँ है देखिए, उसको नीचे से देखना शुरू कीजिए। यहाँ क्या बतलाया है, अन्नात् भवन्ति भूतानि, भूतानि यानि सारे भूत मात्र यानि सारे प्राणी जो हम हैं आप हैं सब, तो ये जो भूत मात्र है ये अन्नाद, अन्न के कारण ये है। अगर इन्हें अन्न नहीं मिलेगा, हर एक का अन्न अलग है। अब वनस्पतियों का अन्न है कि उन्हें मिट्टी चाहिए, पानी चाहिए, हवा चाहिए, प्रकाश चाहिए, तो ये अन्न उन्हें मिलना चाहिए। हमारा अन्न दूसरा है, पशु पक्षियों का अन्न दूसरा है, लेकिन ये जो अन्न उनका है वो उन्हें मिलना चाहिए। तो इसलिए भूतानि अन्नाद् भवन्ति, आप उसको चार्ट को इसलिए नीचे से देखिए क्योंकि इन्होंने वैसा बतलाया है। भूतानि अन्नाद् भवन्ति भूत मात्र का कारण है, भूत मात्र के अस्तित्व का मूल स्रोत है अन्न। ठीक है, अब यह अन्न कैसे मिलता है, तो यहाँ बतलाया है पर्जन्याद् अन्न संभव, यदि समय पर पर्जन्य ना हो, बतलाया गया है कि समय पर भी हो और उचित मात्रा में भी हो, अतिवृष्टि हो तो भी गलत, अनावृष्टि हो तो भी गलत, दोनों ही स्थितियों में अनाज नहीं होगा। तो अनाज होना है, अन्न यदि होना है तो पर्जन्य आवश्यक है, वो भी उचित समय पर और उचित मात्रा में, तो पर्जन्याद अन्न संभव। अब ये पर्जन्य कैसे होता है, मुझे मालूम है यहाँ कोई छात्र वर्ग भी बैठा है सुनने के लिए, तो वो सब बताएंगे कि कैसे पर्जन्य होता है, कि कैसे सूरज की किरणें आती हैं, फिर वो ये होता है, फिर मेघ, सब वो उन्हें पता है। लेकिन अगर यही बात है, ये सत्य है, उनका कहना गलत नहीं है, मगर ये यदि सत्य है तो कभी अनावृष्टि क्यों, कभी
बहुत ज्यादा गोष्ठी क्यों ये होती है ना, ये क्यों होती है? क्योंकि निसर्ग का सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाता है, तो वो संतुलन ना बिगड़े। पर्जन्य ऐसा हो निकामे निकामे, यानी बिल्कुल सही मात्रा में और सही समय पर हो, इसके लिए क्या चाहिए? तो अगली लाइन बताती है, यज्ञात भवति पर्जन्य। पर्जन्य जो है वो उचित समय पर उचित मात्रा में यदि चाहिए तो हमें यज्ञ करना चाहिए। अब यज्ञ यानी क्या? पहले ही हमने देख लिया है कि त्याग पूर्ण भावना, समर्पण भावना, इससे जो होता है वो यज्ञ की मुख्य संकल्पना वही है। लेकिन जिसको हम यज्ञ कहते हैं यानी आहुति देना, इससे भी पर्जन्य के लिए पोषक वातावरण निर्मिति होती है। यानी ये जो पूरा पर्यावरण जो है, पूरा वातावरण जो है वो शुद्ध है, इसके लिए होम हवन का भी आवश्यकता, उसकी भी आवश्यकता होती है। अब यज्ञात भवति पर्जन्यो, ठीक है, तो भूत मात्रा है जिंदा अन्न के कारण। अन्न इसलिए उत्पन्न होता है क्योंकि पर्जन्य होता है। ये पर्जन्य यानी वृष्टि, बरसात, ये क्यों होती है? यज्ञ के कारण। अब ये यज्ञ क्या है? यज्ञ कर्म समुद्भव, यानी कर्म के बिना यज्ञ नहीं। अब यज्ञ का कोई भी अर्थ लीजिए, होम हवन लीजिए या त्याग भावना, समर्पण भावना से किया हुआ कोई भी कर्म लीजिए, लेकिन कर्म के बिना तो यज्ञ नहीं होगा ना। होम हवन भी करना है तो वो कर्म कांड में ही आता है ना। तो कर्म जो है उसके बिना यज्ञ संभव नहीं, इसलिए बोला गया है कि यज्ञ कर्म समुद्भव, यज्ञ जो है उसका उद्भव कर्म से होता है। अब ये कर्म, कर्म यानी क्या? जो हम करते हैं, तो वो कर्म कांड यदि कहेंगे, यदि यज्ञ के लिए उचित कर्म कांड हमें करना है तो इसका ज्ञान कहाँ से मिलेगा? इसलिए अगली यानी पंद्रहवें श्लोक का पहला चरण है, कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि। यहाँ एक बात कहना चाहूंगी कि यहाँ ब्रह्म जो लिया लिखा है ब्रह्मोद्भवम, यहाँ ब्रह्म का अर्थ वो नहीं है जो हम समझते हैं, ये है वेद ब्रह्म। यानी देखिए, कर्मों का उपदेश जो है कि यज्ञ किस प्रकार से किया जाए, विधि विधान क्या है, ये सब हमको ज्ञान कहाँ से मिलता है? वो वेदों से मिलता है। मगर ये वेद है क्या चीज? हम आप कुछ कहें तो वो वेद नहीं हो जाएगा। किसी कालिदास से लिखे प्रतिभावान कवि ने भी कुछ लिखा तो भी वो वेद नहीं होगा। वेद है अपौरुषेय। तो ये वेद साक्षात ब्रह्म ही है। तो यहाँ वेद को शब्द यहाँ पे ब्रह्म लिया है, वेद ब्रह्म। तो कर्म कांडों का जो उपदेश है वो हमें ब्रह्म से यानी वेद ब्रह्म से मिलता है, इसलिए बोला गया है कि कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि। विद्धि यानी जान लो, अर्जुन को बता रहे हैं ना भगवान कि हे अर्जुन तुम जान लो कि कर्म जो है, कर्म की उत्पत्ति वेद ब्रह्म से होती है। अब वेद कैसे प्रकट हुए? पहले ही बताया कि वो किसी आदमी की निर्मित नहीं है, किसी कवि की रचना नहीं है वेद याने। तो वेद क्या है? वेद तो साक्षात भगवान का, ये बोला गया है कि भगवान निद्रा लेते हैं तो भगवान जो सोते हैं उस समय उनके जो निकलते हैं वो है ब्रह्म, वो है वेद। इसलिए ये बतलाया गया है कि वो कहाँ से, वेद ब्रह्म जो है वो वेद ब्रह्म कहाँ से हुआ? वो अक्षर ब्रह्म से हुआ। अब ये अक्षर ब्रह्म यानी साक्षात ब्रह्म, जो अक्षर है। अक्षर यानी वो नहीं जो हम लिखते हैं, इट्स नॉट अ लेटर, यानी लेटर को भी हम अक्षर कहते हैं ना, तो वो नहीं है। अक्षर जिसका क्षरण नहीं होता, जिसका कहीं अंत नहीं होता, वो जो है वो ब्रह्म तत्व। तो ब्रह्म तत्व से
वेदों की निर्मिति है। अब आप देखिए कैसा है, ब्रह्म तत्व से वेद ब्रह्म की निर्मिति, वेद से कर्म का उपदेश, कर्म के कारण यज्ञ, यज्ञ के कारण पर्जन्य, पर्जन्य के कारण अन्न की उत्पत्ति, अन्न की उत्पत्ति से हम आप सब, ये है सारी परंपरा। ठीक है, अब ये सब बतलाने के बाद क्या बोलते हैं, यहाँ अंतिम चरण जो है उसका, इस श्लोक का, तस्मात, तस्मात यानी इसलिए, सर्वगतम ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। तो सर्वगतम ब्रह्म, यहाँ फिर भी ये जो ब्रह्म शब्द आया है वो उसी के लिए है कि यज्ञ विधि प्रधान वेद। देखिए वेदों में, वेद तो ज्ञान का भंडार है जी, उसमें कर्मकांड भी है ज्ञान कांड भी है, उससे जो ज्ञान कांड है उन्हीं से उपनिषदों की उत्पत्ति हुई है, और जो कर्मकांड है उससे ब्राह्मण ग्रंथों की, ऐसा हम कहते हैं। तो सर्वगतम ब्रह्म, ये जो सर्वगत यानी भूत मात्र तक हमको आना है, ये सृष्टि जो है, ये जो दृश्य जगत है जो हमें दिखता है, हमारे अनुभूति में आता है कि हाँ भाई ये ऐसा है, ये वैसा है, ये पत्थर है, ये घर है, ये पानी है, ये नदी है, ये जो हमारे आँखों को दिखता है, ये सारा दृश्य जगत, ये सृष्टि, यहाँ के सारे जीव सृष्टि, प्राणी मात्र, ये सब जो है इसका मूल स्रोत है अक्षर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म से यहाँ तक है। तो जब तक हम यज्ञ नहीं करेंगे, अब यज्ञ का अर्थ केवल होम हवन नहीं है, यहाँ यज्ञ का अर्थ व्यापक हो गया है, नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम, यहाँ यज्ञ जो बोला है वो यज्ञ माने इस समाज को, इस सृष्टि को, कुछ भी जब तक हम देते नहीं तब तक भोग करने का हमें अधिकार नहीं प्राप्त होता, यानी इसीलिए पहले बोला गया है कि जो केवल स्वयं के लिए ही पकाता है और स्वयं के लिए ही खाता है वो स्तेन है, वो चोर है, क्योंकि उसने सारे समाज के हिस्से का भी खा लिया, दूसरे के हिस्से का खाना यानी भोग करना, दूसरे के हिस्से की संपत्ति का स्वयं भोग करना, ये तो अत्यंत अधर्म है, और इसलिए बोला गया है, ये सारा का सारा बता दिया, इसलिए कि अन्नात भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवा इत्यादि जो बतलाया है वो इसलिए है कि ये त्याग भावना के बिना, और वो त्याग भी कैसा, केवल अब देना है विधि है इसलिए दे दो, ऐसा नहीं, मन की भावना से कि इसे मैं जिसको कुछ दे रहा हूँ उसे संतोष मिले, इस भावना से जो दिया जाएगा वो यज्ञ होगा, उसको दान कहें, उसको यज्ञ कहें, ये सारी की सारी कल्पना है ना, ये सारी की सारी इंटरमिंगल है, यज्ञ में दान है, दान में यज्ञ है, परंतु यज्ञ में दान के साथ साथ तप भी है, तप यानी ऐसा नहीं कि हम जंगल में जाके तपश्चर्या करेंगे, कुछ तो भी हमारे देह को हम इतना कष्ट देना चाहिए कि जिससे समाज का कुछ तो भला हो जाए। इसीलिए देखिए आजकल श्रमदान की एक ये चली है, बहुत अच्छी अच्छी रूढ़ी हो गई है ये, पहले दान में केवल अन्नदान या धनदान ही होता था, अब हम श्रमदान को भी उसमें सम्मिलित कर लिया, बहुत अच्छा है, श्रम भी देना चाहिए इस दुनिया के लिए, इस सृष्टि के लिए, ये सृष्टि जो है उसका, उसके हम ऋणी हैं, हम इसके कर्ज में हैं, यदि ये सृष्टि नहीं होती तो हम नहीं होते, तो इसका ये जो कर्ज है, ये जो ऋण है, ये ऋण हमें चुकाना है, तो कैसे चुकाएंगे, श्रम से भी यानी तन से, मन से और धन से, तो ये सब यहाँ बताया है, और ये सब अर्जुन को बताने का ये कारण है कि अर्जुन इस समय तुम्हें अपने धर्म को निभाना है,
यानी युद्ध करना है, श्रम करना है। ये गांडीव छोड़ के नहीं चलेगा, उठाओ गांडीव, उत्तिष्ठ, युद्धाय कृत निश्चयः। ये जो बताया गया है इसके लिए ये सब बताया है। अब आगे क्या है अगले श्लोक में? एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति हयः अघायु इन्द्रियारामो मोघं पार्थ सजीवति। हे पार्थ, यहाँ पार्थ बोला है, अर्जुन को दूसरा नाम से नहीं पुकारा। पार्थ यानी प्रथा का पुत्र, प्रथा नाम है कुंती का। ये कुंती नाम तो जब वो दत्तक दी गई ना कुंती भोज को, तब कुंती भोज की दत्तक पुत्र करके कुंती हो गई। जब जन्म हुआ था तब ये कहते हैं कि वो बहुत पुथु थी, मोटी ताजी थी, तो इसलिए उसका नाम रखा गया प्रथा यानी मोटी ताजी। ठीक, तो ये प्रथा, और प्रथा का पुत्र यानी पार्थ क्यों दी है? प्रथा की, प्रथा का स्मरण क्यों किया? तुम पार्थ हो, प्रथा के पुत्र हो, ये क्यों बतलाया गया? देखिए, जब ये लोग निकले हैं युद्ध के लिए, तब ये सारे पांडव माँ के पांव छूने गए थे कि माता जी आशीर्वाद दीजिए। तब इसलिए प्रथा के शब्द है, यदर्थं क्षत्रियासूते तस्य कालोयम आगतः। यदर्थं क्षत्रियासूते, क्षत्रिया यानी क्षत्रिय पत्नी, क्षत्रिय पत्नी यदर्थं सूते, जिस एक हेतु के कारण पुत्र को जन्म देती है, सूते यानी प्रसूत होती है यानी पुत्र को जन्म देती है। कोई क्षत्रिय पत्नी इस जिसके कारण, जिसके लिए पुत्र को जन्म देती है, वो अब काल आ गया। यानी क्षत्रिय माँ पुत्र को जन्म इसीलिए देती है कि मेरा पुत्र धर्म युद्ध करे, युद्ध करे नहीं धर्म युद्ध करे, धर्म के साथ युद्ध करे। तो ये धर्म के साथ यानी धर्म से लड़ना नहीं, धर्म का आचरण करके, तो धर्म युद्ध करे। तो इसलिए उन शब्दों की स्मृति दिलाने के लिए, उन शब्दों की याद जगाने के लिए पार्थ कहा है कि हे पार्थ, ये जो मैंने बतलाया, एवं प्रवर्तितम चक्रम, ये सारा सृष्टि का चक्र है कि अन्नाद भवन के भूत, ये जो सब बतलाया है कि भूत मात्र जो है उसके मूल स्रोत है ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म, और अक्षर ब्रह्म से जो ये सारे भूत मात्र की निर्मित हुई है, एवं चक्रम प्रवर्तितम, ये सृष्टि का चक्र चलता रहता है। और यहाँ न अनुवर्तयति, जो इसका पालन नहीं करता, जो इसका अनुगमन नहीं करता, यानी इस चक्र को जो नहीं मानता, यानी कटाक्ष किस पर है? अर्जुन पर है कि तुम ये नहीं मान रहे हो कि जो अधर्मी है, अन्यायी है, वो दुर्योधन इसमें बैठे राज सिंहासन पर, तो इस सृष्टि को केवल ताप ही देगा, अब उसके साथ तुम नहीं लड़ोगे। तो मतलब ये हुआ कि उस अधर्म को तुमने भी थोड़ा सा खाद, थोड़ा सा पानी तुमने भी डाल दिया है ना, इसलिए बतलाया है ये कटाक्ष है कि एवं प्रवर्तितं चक्रम यहाँ न अनुवर्तयति, यानी इस ये सृष्टि चक्र जो अक्षर ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है, इस सृष्टि चक्र का अनुपालन जो नहीं करता वो कौन होता है? अघायु। क्या शब्द है, बड़ा सार्थ शब्द है। आयु माने जीवन, और अघय ने पाप, वो पापमय जीवन जीता है वो अघायु होता है। यानी अर्जुन, तुम भी यदि गांडियों का त्याग करोगे तो तुम भी अघायु होगे, ये सूचित किया गया है। तो जो ऐसा होता है, जो इस चक्र का अनुपालन नहीं करता, वो अघायु, और कैसा? इंद्रियारामो, वो केवल अपने इंद्रियों को आराम देता है, इंद्रियों में ही रमता है। आराम का मतलब आ उपसर्ग रम धातु है, यानी जो इंद्रियों में ही रमता है।
अब वस्तुतः अर्जुन इंद्र या राम नहीं है। अर्जुन जो गांडीव छोड़ रहा है वो केवल अनुकंपा के कारण, हाँ ये अनुकंपा उसकी अस्थानी है, ये बात सही, गलत फहमी से उत्पन्न हुई अनुकंपा है, लेकिन वो इंद्र या राम नहीं है। लेकिन भगवान इसलिए बोल रहे हैं कि भैया रे, अगर समझ लो कि जो इस प्रवर्तित चक्र को, इस सृष्टि चक्र को अनदेखा करता है, वो अभायु होता है और उसको लोग इंद्रियों में डूबा हुआ, अपने खुद स्वयं के सुख भोग में ही लिप्त हुआ, ऐसा लोग तो समझेंगे ही, अभायु इंद्रिया रामा। फिर ऐसे आदमी का जीवित रहना या ना रहना क्या फर्क पड़ता है? एक स्वार्थी आदमी जीवित है तो क्या करेगा? सारे लोगों से अपना अपना स्वार्थ निकालेगा, बस मरेगा तो भैया वो लोग तो छूट जाएंगे, है ना। इसलिए मोघम पार्थ सजीवति सह मोघम जीवति, मोघ यानी व्यर्थ, मोघ का अर्थ है व्यर्थ। इसलिए कहा गया है कि राम के शर अमोघ थे, अर्जुन का बाण अमोघ था, वो कभी खाली नहीं जाता था, कभी व्यर्थ नहीं होता था। यहाँ ये बोला है कि जो इस सृष्टि चक्र को अनुपालन नहीं करता उसका जीवन मोघ है, व्यर्थ है, निरर्थक है, वो जीवित रहा क्या ना रहा क्या कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सुनाने के बाद अब एकदम अलग बतलाया है, देखिए कि जो जिस, ये तो बतला दिया कि ऐसे आदमी का जीवन तो निरर्थक है, तो किसका जीवन सार्थक है ये बतलाने के लिए अगला श्लोक है 17वां। यस्त्वात्मगतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। देखिए यहाँ तक जो बतला है ना, पहले ही मालूम है आप सब लोगों को कि ये कर्मयोग नाम का तृतीय अध्याय है, तो कर्म क्यों करना ये तो बतला है, ये कर्म करने से ही सृष्टि चक्र का अनुपालन होगा, लेकिन ये किसके लिए? जो पूरा, जिनको आत्मज्ञान नहीं हुआ उनके लिए कर्म आवश्यक है, कर्म कांड की भी यही स्थिति है। ऐसे कहते हैं जो अद्वैती हैं, वो बोलेंगे ज्ञानादेव तु कैवल्यम, ज्ञान प्राप्त हुआ तो अब कैवल्य मिल गया, कैवल्य माने केवल हो जाना, ब्रह्म के साथ एक रूप हो जाना। अब ब्रह्म के साथ जब एक रूप हो गए तो कर्म के लिए क्या बचता है, तो ऐसे हम कर्म क्यों करें? देखिए उनका, जिनको ऐसा लग रहा है ना कि हम एक रूप हो गए, वो भी अज्ञानी ही है। जो एक रूप हो जाता है, जो ब्रह्म बन जाता है, उसे ये भी भान नहीं रहता कि मैं एक रूप हो गया, वो तो उसी में लीन होता है, उस आदमी के लिए कर्म नहीं बचता। मगर जो ये सोचते हैं ना कि हमें तो ज्ञान हो गया, अब मैं पूजा उजा क्यों करूं, तो वो अज्ञानी है, और ऐसे अज्ञानी के लिए कर्म कांड आवश्यक ही है। इसलिए अभी तक तो ये बतला दिया, अब यहाँ बोल दिया है कि यहाँ तो आत्मगति ही एव स्यात्, आत्मगति। अब यहाँ आत्मगति का क्या मतलब है? गति का अर्थ है प्रीति, प्रेम, ठीक। जो आत्मा में ही मग्न है, अब आप कहेंगे जो स्वयं से प्रेम करता है तो वो तो स्वार्थी हुआ ना, मुझे अच्छा खाना चाहिए, मुझे अच्छे कपड़े चाहिए, वो आत्मगति नहीं है। जो आत्मगति यानी जिसने आत्म तत्व को समझ लिया और आत्म तत्व में ही जो गत हो गया, जो उसमें ही लीन हो गया, फिर उसको न भूख लगती है न प्यास न कुछ, न उसको ठंड लगती है न गर्मी, तो देह का भान ही नहीं है, क्योंकि वो देह के परे हो जाता है, वो होता है आत्मगति। अब जो देह के परे हो गया उसके लिए तो कार्य कुछ बचता नहीं, तो वो यदि बोले
कि मैं कार्य नहीं करता, वो बोलता कहाँ है, वो बोलने के लिए तो भान ही नहीं है उसको। लेकिन वो यदि बैठा है बिना कर्म किए तो ठीक है। यह आत्मगति ही स्यात्, आत्मतृप्त स्यात्। तृप्त होना क्या होता है? ये तृप्ति भी ना अलग अलग लोगों के अलग अलग तरह की होती है। कुछ संसारी जीव हैं, हम आप जैसे, क्या है हमारी तृप्ति कब होती है? जब हमें कुछ इच्छित वस्तु है, किसी चीज की मैंने इच्छा की और वो हमें प्राप्त हो गई तो मैं तृप्त हो गई, ठीक है। और फिर क्या है, वो नहीं मिली तो हमें दुख होता है। ये है हम आप जैसे की स्थिति संसारी लोगों की। अब ये जो साधक है, जो सिद्ध है, उनकी तृप्ति काय में है? निष्कामता में। वो कामना ही नहीं हो जाते हैं, कोई कामना बचती ही नहीं। जब ऐसी स्थिति होती है तभी उनको सुख मिलता है। सच्चिदानंद स्थिति जो है ना, वो ये है कि वो सदैव सुखी है। खाने को मिला आनंद से ले लिया, नहीं मिला कोई बात नहीं। याने वो किसी, उनका आनंद जो है वो किसी चीज पर निर्भर नहीं रहता। हमारा आनंद परावलंबी है। परावलंबी हमने माने किसी चीज पे निर्भर है कि ये चीज मुझे मिल गई तो मैं आनंदी, और नहीं मिली तो मैं दुखी। याने हमारा आनंद, हमारा दुख जो है वो किसी वस्तु पर आश्रित है। ये वस्तु किसी, हम वो दक्षिण वाले वस्तु का अर्थ अलग लेंगे, मैं वस्तु शब्द नहीं बोलती, चीज बोलूंगी। तो हमारा जो आनंद है वो किसी बाह्य चीज पर निर्भर है, और ये टिकता नहीं। क्यों नहीं टिकता? जब वो चीज हमें प्राप्त हो गई आनंद हो गए, लेकिन अरे कौन सी चीज हमेशा के लिए सदैव के लिए रखी रही है? समाप्ति हो जाएगी। मुझे मेरा प्यारा भोजन मिल गया, मैं खुश हो गया, वो भोजन खत्म होगा ना, फिर वही, क्या कल मुझे भूख नहीं लगेगी? लगेगी। यानी मैं सदैव के लिए तृप्ति तो कभी हूँ ही नहीं, मिलेगी ही नहीं। तो ये जो सदैव तृप्त है, यहाँ जो बोला है आत्मतृप्त, आत्मतृप्त जो है वो नित्य तृप्त होता है। उसके तृप्ति में कभी भी किसी भी तरह का कोई भी अवरोध नहीं आता। जो सदैव नित्य तृप्त होता है वो तृप्ति केवल आत्मतृप्ति है। इसलिए बोला है जो यहाँ आत्मगति स्यात्, आत्मतृप्त स्यात्, आत्मनि एव च संतुष्टः। तीन शब्दों का प्रयोग किया है, आत्मगति, आत्मतृप्ति और आत्मसंतुष्टि। अब ये तुष्टि, संतुष्टि, तृप्ति और गति, ये है क्या? एक ही सिक्का है वो। याने गति यानी प्रेम करना। देखिए संसारी व्यक्ति बाह्य वस्तु से प्रेम करता है, प्रेम करता है इसलिए प्राप्त होने के बाद संतोष होता है, और अगर पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हुआ तो तृप्ति होती है। माने ये गति में ही तुष्टि और तृप्ति निहित है, मगर संसारी आदमी की ये बाह्य वस्तु में है। और जो आत्मतृप्त है वो तो सदैव के लिए, आत्मनि एव च संतुष्टः, आत्मनि एव बोला है, एव याने ही, स्वयं में ही संतुष्ट है। बस वो जिसको मराठी में कहते हैं ब्रह्मानंदी टाढ़ी लग गई, याने वो जैसे वो ध्यानस्थ हो गए तो ब्रह्म का आनंद उनको जो प्राप्त होता है उसमें फिर उनको किसी चीज का भान ही नहीं है। देह नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। ये कहते हैं ना कि वाल्मीकि मुनि जब तपस्या करने बैठ गए तो चींटियों ने ये कर दिया,
लेकिन बामी बना दी, लेकिन उनको भान नहीं था। अगर हमें एक चीटी काटे तो हम हाय हाय करने लगते हैं, जब इनका पूरे बामी बना दी थी, चारों ओर से चीटियों का दंश हो रहा था, तो भी कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि वो आत्मा आराम में पूरी तरह लीन हो गए थे। तो ऐसे को कोई कार्य की गरज नहीं है। कर्मयोग तो कहते हैं, लेकिन कर्मयोग कब तक? जब तक ब्रह्मानंद प्राप्त नहीं होता। अब यहाँ रहस्य क्या है? ये है कि भैया अर्जुन, तुमको अभी तक ब्रह्मानंद की अवस्था नहीं मिली है। तुम तो साधारण मानव ही हो, अभी संसारी हो, गृहस्थ हो। गृहस्थ हो इसीलिए तो सोच रहे हो कि ये स्वजन है। तो घर से माया ममता नहीं छूटी है, तो ऐसे को कर्म करना ही करना है। परंतु जो आत्म तृप्त है वो काम नहीं करे, कुछ भी ना करे, कोई कर्म कांड भी नहीं करे, पूजा भी ना करे, जप भी ना करे, चलेगा। क्योंकि उसका अंतस तत्व ही जपमय हो गया है, सदैव उसी का स्मरण है। उसके हर सांस में, हर श्वास में जो राम नाम है, राम नाम हो या जिसका भी नाम हो या ओंकार हो, उसके हर श्वास में वही बस गया है। तो ऐसे के लिए कुछ कर्म कांड नहीं बचता। इसलिए अगला श्लोक है, नैव तस्य कृतेनार्थो ना कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाशयः। ऐसे आदमी के लिए कैसे, जो आत्मरति, आत्मतृप्त और आत्मतुष्ट है, ऐसे के लिए नैव तस्य कृतेन अर्थो, तस्य कृतेन उसके कृत यानि कृतियाँ, काम करना, वो उसकी वो काम करें या ना करें, कृति करें या ना करें, ना अर्थ कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं वो तस्य कृतेन अर्थो न अकृतेन, वो काम करें कृतेन या ना करें अकृतेन, कुछ भी कष्ट न अर्थ न, कोई अर्थ नहीं है। इसका मतलब उससे फर्क नहीं पड़ता कि ये किया तो उसको आनंद मिलेगा या नहीं किया तो आनंद मिलेगा, ऐसा नहीं। वो आनंदमय ही है वो, तो इसलिए वो पूरा पूरा आनंदमय जब बन गया है तब करें या ना करें। इसलिए नहीं वो तस्य कृतेन अर्थः न कृतेन, लेकिन एक शब्द क्या है, न कृतेन इह, इह जो बोला है तो इह याने ये है कि इस लोक में, इह लोक में यानि इह लोक के जो कर्म है, ये जो कर्म है इनके लिए कर्म करें या नहीं करें कोई फर्क नहीं पड़ता। यह की बात है यानि इस धरातल पर जो है वो, इसका क्या मतलब है कि बाकी जो है धरातल के कर्म नहीं करेंगे, आत्मिक कर्म जो है वो कर्म कैसे कहेंगे, आत्म तृप्ति जो है वो तो निरंतर रहेगी। और इसलिए बोला है न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिद् अर्थव्यपाशयः, ये उस आत्ममग्न, आत्मरत, आत्मलीन, ऐसे क्या बोलेंगे, विभूति बोलेंगे, केवल आत्म तत्व में ही जो है ऐसा आनंदमय, ऐसा जो है तो उसके लिए क्या है, सर्वभूतेषु सारे भूत मात्र में कोई अर्थ व्यपाशय नहीं होता। यानि वो कर्म करें या ना करें, उसका यह लोक में इन भूतों से, ये सारे प्राणियों से कोई ये नहीं होता। मैंने बिल्कुल साधारण बोलचाल की भाषा में कहें तो उनसे कोई लेना देना नहीं, लेकिन लेना देना नहीं ऐसा नहीं, उससे सब प्रभाव होता है। आपने पढ़ा होगा कि ऋषियों के, मुनियों के जो आश्रम है ना, वहाँ शेर, बाघ और ये
खरगोश तरीके छोटे छोटे प्राणी ये सब एक साथ खेलते रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये ऋषि मुनि जब ध्यानस्थ होते हैं कहते कुछ नहीं, ये कोई बाण लेके उनके शिकार नहीं करते या उपदेश नहीं देते, उपदेश कोई वाघ नहीं सुनने वाला, तो ये कुछ नहीं करते। फिर भी जो वो लहरियां निकलती हैं उनमें से, जिसको आप लोग औरा कहते हो कहते हैं, तो इससे ही सब यूं प्रभावित होते हैं कि सब जगह शांति ही शांति होती है। इसलिए कश्चित अर्थ व्यपाश्रयः, उनका कुछ नहीं होता, वो करें या ना करें उनका मन आनंदमय है और उस आनंद की लहरियां उनके पूरे आसमंत को, पूरे परिसर को वो आनंद की ही लहरियां वो फैला देता है। यहाँ आज हम रुक जाते हैं क्योंकि इतने अच्छे वातावरण में छोड़ के ही रुक जाना अच्छा। हाँ, बाद में अर्जुन को क्या कहना है ये हम आगे देखेंगे, आज तो यहीं विराम देते हैं। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं योगेशं सच्चिदानंदं वासुदेवं वजप्रियं धर्म संस्थापकं वीरं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं।